प्रोसेप्शन फायर, बस अनकॉन्शियस लेवल पे। कॉन्शियस लेवल पे तो हमने कहा फिजिकुलस ग्रेसिलस एंड क्यूनेटस हो गया। अब अनकॉन्शियस लेवल पे हमारे पास दो ट्रैक्ट हैं, पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर। नाम से पता चल रहा है कि स्पाइनल कार्ड से सेरिबेलम की तरफ जा रहे हैं, थैलेमस की तरफ नहीं जा रहे, ठीक है। एंड दी एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट ये अनकॉन्शियस लेवल पे प्रोप्रोसेप्शन फाइबर्स लेके जा रहे होते हैं टू दी स्पाइनल कार्ड से टू सेरिबेलम की तरफ, ठीक है। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड मैन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम पहले डिस्कस करते हैं पोस्टीरियर, ये वाला पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इज लोकेटेड इन द डोर्सल रूट गैंग्लियन, देन द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, इनका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो हमने क्लार्कीज न्यूक्लियस, जिसका दूसरा नाम था न्यूक्लियस डोर्सलिस, क्लार्क्स न्यूक्लियस भी कह सकते हो, क्लार्कीज भी कह सकते हो, ठीक है। तो इनका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन वहां पे होगा, ठीक है, ये बहुत अहम सवाल है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे मौजूद था, और ये देखो क्रॉस करके अपोजिट साइड पे नहीं आ रही है, राइट रेड वाले जो है ये उसी सेम साइड पे ही जा रहे हैं और वापस ऊपर जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं किसमें, सेरिबेलम में। सेरिबेलम में ये एंटर हो रहे हैं वाया दी इंफीरियर सेरिबेलर पडंकल, ये बीसी क्यू है। एक तो ये ट्रैक क्रॉस नहीं कर रहा और दूसरा ये थैलेमस में नहीं जा रहा, कहाँ जा रहा है, सेरिबेलम में, और किसके थ्रू जा रहा है, इंफीरियर सेरिबेलर पडंकल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इप्सी लेटर द फाइबर्स ऑफ द ट्रैक एंटर द सेरिबेलम थ्रू द इंफीरियर सेरिबेलर पडंकल एंड टर्मिनेट इन द पी लेटरल सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की उसी साइड के जाके उसमें खत्म हो रहा है, ठीक है। ये हो गया पोस्टीरियर या डॉर्सल स्पाइनो सेरिब्रलर ट्रैक। अब आते हैं किसमें, एंटीरियर, ये वाला फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन वही है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है, और एग्जाम फिर अब ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन वही है, क्लार्कीज न्यूक्लियस या न्यूक्लियस डॉर्सलिस, ठीक है। अब इसने क्रॉस किया, क्रॉस किया है लेकिन कहाँ से क्रॉस किया है, देखो ये लेटरल वाइट कॉलम का पोर्शन है यहाँ पे, और ये एंटीरियरली मौजूद है, ये पोस्टीरियरली हो गया पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिब्रलर ट्रैक्ट, और ये वाला, ठीक है। और अब यहाँ पे इसने क्रॉस किया और ये असेंड हुआ इस वाइट मैटर के पोर्शन से, द फाइबर्स ऑफ द एंटीरियर स्पाइनो सेरिब्रलर ट्रैक्ट जो है देन असेंड फ्रॉम द एंटीरियर एंटीरियर से असेंड हुआ, ये इस तरीके से यहाँ पे आया, यहाँ से ये आके इससे असेंड हुआ, ठीक है। अगर लेटरल से असेंड होना होता तो यहाँ जाता यूं और यूं असेंड करता, ठीक है, एंटीरियर से यहाँ पे असेंड किया, और फिर ये देखो इसने उसी सेम साइड वाले में जा रहा है और लेकिन सेरिबेलम में जा रहा है लेकिन वाया दी सुपीरियर सेरिबेलर पडंकल। तो एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट एंटर इनटू द सेरिबेलम वाया द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल एंड द पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट एंटर्स इनटू द सेरिबेलम वाया द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ठीक है। तो दोनों ही इप्सिलेटरल साइड के में जा रहे हैं, ठीक है, ये बहुत अहम है। क्रॉस किया लेकिन गया उसी साइड के सेरिबेलम में, उसके सेरिबेलम के दो हेमिस्फीयर है ना, राइट एंड लेफ्ट। द फंक्शनली बोथ द पोस्टीरियर एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट कैरी इंपल्सेस फ्रॉम द लोअर लिम, ये पोस्टीरियर ट्रैक्ट इज कंसर्न विद द फाइन मूवमेंट, वेयर इज द एंटीरियर ट्रैक्ट इज कंसर्न विद द ग्रास मूवमेंट ऑफ द लिम, लोअर लिम का ये, ठीक है। अच्छा, सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ द स्पाइनल कार्ड, अगर विटामिन B12 की कमी है तो उससे क्या होगा कि पोस्टीरियर वाइट कॉलम जो है एंड लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट वाला जो है अंडरगो डिजनरेशन ऑफ बोथ साइड्स। तो इसमें क्या होगा कि भाई अगर विटामिन B12 की किसी को डेफिनेशन है और डेफिशिएंसी है तो उसमें अगर हम कहेंगे कि भाई सिम्टम्स क्या आ रहे हैं पेशेंट को, अगर वो उसने स्पाइनल कार्ड को इन्वॉल्व किया है पोस्टीरियर कॉलम को तो उसमें से ट्रैक्ट भी पास हो रहे हैं, पोस्टीरियर कॉलम से प्रोप्रायोसेप्शन फाइबर्स पास हो रहे हैं और लेटरल पार्ट से लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, तो क्या होगा कि अगर पोस्टीरियर वाइट कॉलम गया तो बायलेटरल लॉस ऑफ द पोजिशन एंड वाइब्रेटरी सेंसेस, और फिर अगर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक कहता है तो स्पास्टिक पैराप्लेजिया विद एग्जेजरेटेड टेंडन रिफ्लेक्सेस एंड पॉजिटिव बेबिंस्की साइन मीन अपर मोटर न्यूरॉन की लीजन है, किसकी, अपर मोटर न्यूरॉन की लीजन हो जाती है। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत डेंजरस है, इसको चेक एंड बैलेंस होना चाहिए इसका।
अच्छा अब आता है ये स्पाइनल कॉर्ड की, देखो जॉर्टेड इंजरी मीन पूरा आधा स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड है, इसको हम कहते हैं हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो अब इसमें इसको और कंडीशन का क्या नाम है, ब्राउन स्क्वायर सिंड्रोम। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर कंप्लीट हो गई तो देर इज लॉस ऑफ द मूवमेंट एंड ऑल सेंसेशन बिलो द लेवल ऑफ द इंजर्ड, ठीक है। वो तो फिर कंप्लीट अगर पूरा ही स्पाइनल हुआ तो वो उस लेवल तक के जो बिलो इंजरी होगी वो सारी पैरालाइज होगी। लेकिन इन हेमी सेक्शन में जिसको हमने ब्राउन स्क्वायर सिंड्रोम बोला, देयर इज इप्सिलेटरल पैरा स्पास्टिक पैरालिसिस ड्यू टू द लीजन ऑफ द कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, जो इस साइड के होंगे वो डैमेज हुए। एंड कंट्रालेटर पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन, क्योंकि पेन एंड टेम्परेचर के हो सकता है यहाँ क्रॉस करके आ रहे हैं उस साइड दूसरी साइड के, क्योंकि वो किसी भी लेवल पे क्रॉस करते हैं, एक दो सेकंड सेगमेंट ऊपर चढ़ के वो क्रॉस करते हैं तो वो भी जाएगा। एन एप्सिलेटर लॉस ऑफ द कॉन्शियस प्रोप्रोसेप्शन, क्योंकि ये वाइट मैटर आपका फेसिकुलस ग्रेसिलस एंड क्यूनेटिस भी जा रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे लेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होगा तो वो जाएगा तो क्या होगा, पैरालिसिस होगी। लेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस पाथवे, ये सारे इधर जाएंगे, मीन ये मीडियल लेमनिस्कस का पाथवे है, यहाँ लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, यहाँ पे ये सारे ट्रैक्ट थे ना हमारे पास कॉन्शियस लेवल पे जो हम पीछे पढ़ के आए, तो वो जो स्पाइनल कॉर्ड पे क्रॉस कर रहे हैं नहीं कर रहे उस लिहाज से इप्सिलेटरल और वो कंट्रालेटरल लगेगा। बीसीक्यू में जैसे देखें 28 ईयर्स ओल्ड मैन वाज स्टेप्ड इन द नेक, न्यूरोलॉजिक एग्जामिनेशन रिवील लेफ्ट साइडेड हेमी पैरालिसिस, देयर इज कंप्लीट लॉस ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेटरी जॉइंट पोजिशन एंड वाइब्रेशन सेंसेशन बिलो द सर्वाइकल स्पाइनल सेगमेंट ऑन द लेफ्ट साइड। ऑन द राइट साइड देयर इज लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर बिलो द सर्वाइकल, वो भी बिलो द सर्वाइकल था, ये भी बिलो द सर्वाइकल है, तो क्या क्या जा रहा है, मीन प्रोप्रायोसेप्शन फाइबर जा रहे हैं, तो फेसिकुलस ग्रेसिलस एंड क्यूनेटिस भी गया, ठीक है। और लेफ्ट साइड का और राइट साइड का हमारे पास जो क्रॉस करके आ रहे थे पेन और टेम्परेचर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट वो भी गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हमारे पास आधा स्पाइनल कार्ड जो पीछे मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई ये वाली हेमी सेक्शन वाली जहाँ पे मैंने यहाँ साइन सिम्टम्स बताया आपको, तो इट कैन बी एक्सपेक्टेड दैट एन एमआरआई ऑफ द सर्वाइकल स्पाइनल कार्ड विल शो विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स, कंप्लीट होता है तो पूरे पार्ट जाते हैं, राइट एंड लेफ्ट का जिक्र नहीं होता। हेमी सेक्शन ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द कार्ड, लेफ्ट साइड क्यों बोला, क्योंकि प्रोप्रोसेप्शन के इप्सिलेटरल ही हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड के हैं उसी साइड से पहले, और वो तो क्रॉस करके आ रहे होते हैं ना वो जो पेन एंड टेम्परेचर वाले, इसलिए उसके लिए लेफ्ट नहीं होता यूज, वो राइट साइड के क्रॉस करके आ रहे थे लेफ्ट में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, हेमी सेक्शन ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉर्ड। डॉर्सल कॉलम का होता अगर सिर्फ तो सिर्फ जॉइंट की पोजिशन वाला जाता, पेन टेम्परेचर नहीं जाता। लीजन ऑफ लेटरल फनिकुलर से होता है तो फिर सिर्फ पेन जाता और प्रोप्रोसेप्शन जो जाते वो अनकॉन्शियस लेवल पे जाते, इसने कॉन्शियस लेवल पे बात की है, ठीक है। ये एक टेबल डाली हुई है जिसमें बताया गया है कि इससे सेंसेशन कौन कौन सी है, पेन टेम्परेचर इसकी कौन लेके आता है, रिसेप्टर नर्व एंडिंग्स हैं, फ्री नर्व एंडिंग कौन कहाँ पे लेके आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की लोकेशन कहाँ है, सेकंड की कहाँ है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की कहाँ है, फिर पाथवे उसके नाम क्या है उस ट्रक का, और फिर वो जाता कहाँ है। ये बहुत अहम टेबल है जिसको आपको आना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई आपसे पूछता है लाइट टच एंड प्रेशर का जो है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ है, तो आप लिखोगे वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ दी थैलेमस VPL थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड की बात करें तो सब सेंसरी जेलेटिन होता, ठीक है। और खत्म कहाँ हो रहा है, खत्म तो सारे सेंसरी हैं, तो पोस्ट सेंट्रल गायरस में ही हो रहे हैं, इसने पोस्ट सेंट्रल गायरस को क्या लिखा है, पोस्टीरियर सेंट्रल गायरस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, डिस्क्रिमिनेटिव टच वाइब्रेटरी सेंस कॉन्शियस मसल ज्वाइंट सेंस, ये जो है इनके पहले इन्होंने रिसेप्टर्स के नाम लिखे हैं, फिर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, तो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन मैंने आपको कहा था फेसिकुलस ग्रेसिलस एंड क्यूनेटस, फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे है VPL में, और फिर उसके बाद उस पाथवे का नाम क्या है, और फिर ये खत्म कहाँ पे होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये कुछ रिसेप्टर्स दिखाए गए हैं, ये फ्री नर्व एंडिंग्स हैं जो कि पेन और टेम्परेचर को लेके आ रही होती है, और फिर आप देखो अब यहाँ पे क्या है टेक्टाइल सेंसेशन, यहाँ पे ये दिखाया गया, ठीक है। अच्छा रिसेप्टर्स दिखाए गए, ये आपके पास देखो तो ये मिजनर्स कॉर्पसल्स है इन दी स्किन में, ठीक है, परपेंडिकुलर स्किन के सरफेस में, वेरी सेंसिटिव टू टच मैकेनोरिसेप्टर के तौर पर एक्ट करते हैं।
ठीक है, और ये टू पॉइंट्स टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन को के लिए रिसेप्टर्स हैं। फिर ये पेंसिलियन कार्पसल है, ठीक है, ये भी स्किन में लोकेटेड है। पेंसिलियन कार्पसल रैपिडली, ये मैकेनो रिसेप्टर है, वो क्या था, वो भी मैकेनो रिसेप्टर है, ये भी मैकेनो रिसेप्टर है। उसमें सेंस दूसरे थे, इसमें सेंसिटिव टू वाइब्रेशन एंड प्रेशर, ये किसके लिए, वो मेजरेंस किसके लिए, टू पॉइंट टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन के लिए, और ये किसके लिए, सेंसिटिव टू वाइब्रेशन एंड प्रेशर के लिए, ठीक है। अब ये कुछ ऑस्पी लगाई हुई है, जैसे आपको अगर ये डायग्राम रख के देते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करो, ए को वेयर, व्हाट इज ए, एंटीरियर वाइट कमिशर, इसमें से कौन से ट्रैक पास होते हैं, ये अभी मैंने पीछे पढ़ाया। फिर बी और सी, वेयर इज बी एंड सी, फेसिकुलस ग्रेसिल एंड क्यूनेटस, ठीक है, इसमें से कौन से ट्रैक पास होते हैं, अभी हमने पढ़ा। वेयर इज डी, दिस इज डी, लेटरल स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट, कौन से सेंसेशन लेके जाता है, पेन और टेम्परेचर के, आइडेंटिफाई दी, ई कहाँ है, ये है एंटीरियर स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट, एंटीरियर स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट क्या लेके जा रहा था, फाइन टच, ठीक है। फिर अराइज कहाँ से होता है, जंक्शन एनुमरेट द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द पोंटो मेडुलरी जंक्शन, की नर्व्स पूछी गई है, 7, 6, 7, 8। दूसरी आस्पी है, इसमें भी इसी तरह पूछा गया है, ए को आइडेंटिफाई करो, और अगर इसकी, अब इसमें आइडेंटिफाई तो आपने पहले भी किया था, अब इसमें पूछा अगर लीजन हो जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पे वो डिकसेट कर रहे थे दोनों साइडों पे बायलेटरल पेन और टेम्परेचर की लॉस होगी, ठीक है। फिर बी एंड सी, वेर इज बी एंड सी, फेसिकुलस ग्रेसिलस एंड क्यूनेटस, इनके अगर लीजन हो जाए तो क्या होगा, इनके, अब इसमें क्या पूछा, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ लोकेटेड है, मेडुला में, क्यूनेट न्यूक्लियस एंड ग्रेसाइल न्यूक्लियस में, ठीक है, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर डी, वेर इज डी, दिस इज लेटरल स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट, और इसका लीजन हो जाए, या इसका थर्ड सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कौन सा था, सब्सेंशिया जेलेटिनोजा। फिर 5 नंबर में लिखा है असेंड, एनुमरेट द असेंडिंग ट्रैक के नाम बताओ जो सेरिबेलम में जाते हैं, तो सेरिबेलम में दो ही थे अभी हमने पढ़े, जो अनकॉन्शियस लेवल पे लेके जा रहे हैं, प्रोप्रोसेप्शन फाइबर्स, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट, ठीक है। ये भी एक ऑस्पी है जिसमें लिखा है, वो ये को आइडेंटिफाई करो और लीजन हो जाए तो क्या हो जाएगा, बी एंड सी कौन सा ट्रैक लेके जा रहा है, इनका फंक्शन क्या है, ये ऑस्पी हमने लगाई, आइडेंटिफाई दी। नंबर थ्री, आइडेंटिफाई दी स्ट्रक्चर मार्क बाय डी, वेयर इज डी, दिस इज डी, एंड मेंशन दी सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, इससे ही सवाल आते हैं कि इसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ है, लीजन हो जाए तो कहाँ पे होगा, और उस ट्रैक की लोकेशन कहाँ पे है। इन्यूमरेट दी असेंडिंग ट्रैक विच कैरी दी पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन, क्या नाम था उसका, लेटरल स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है, वेंट्रल जो था वो फाइन टच लेके जा रहा। थैंक यू बेटा।